राजधानी दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां देश के हर इलाके से स्टूडेंट्स सपनों के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करने आते हैं। लेकिन ये सपने कभी आग में जल जाते हैं, कभी पानी में डूब जाते हैं, तो कभी करंट की चपेट में आ जाते हैं। दरअसल राजधानी के पॉश इलाके ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। ये एक नामी आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक नाले का गंदा पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र शामिल है। जान गंवाने वाले 3 विद्यार्थी केरल, तेलंगाना और यूपी के रहने वाले थे। सभी के शवों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया शवगृह में रखा गया। कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद छात्रों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। यही नहीं, पुलिस ने राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसे में इसके मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकार और प्रशासन घटना की जांच और एक्शन में जुटे हैं, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर बड़े कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना हुई कैसे? मरने वाले छात्र कोई छोटे बच्चे तो नहीं थे? फिर वो बाहर क्यों नहीं निकल सके? क्या कोचिंग सेंटर में जरूरी नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था? आखिर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक इतना पानी कैसे आ गया? आइए समझते हैं पूरा मामला। दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7 बजे राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर में जलभराव की सूचना मिली थी। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि हमें शाम 7 बजे कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने की सूचना आई। कॉल करने वालों ने यह भी बताया कि वहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसी के बाद पुलिस और दूसरी टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि पूरा बेसमेंट पानी से कैसे भर गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जो समय कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसा, वहां करीब 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी तो वो वहीं पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बेसमेंट में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। पहले दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। हालांकि मामला गंभीर नजर आने के बाद एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। यही नहीं, गोताखोरों की भी मदद ली गई, जिससे कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि इस दौरान कोचिंग मैनेजमेंट की लापरवाही भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल जिस जगह बेसमेंट में ये लाइब्रेरी बनी थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता था। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना था। वहीं इस हादसे पर आक्रोशित एक छात्र ने कहा कि एमसीडी कहती है कि ये आपदा है, लेकिन मैं कहूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। आधे घंटे की बारिश में घुटने तक पानी भर जाता है, आपदा तो कभी कभी होती है। इन लोगों की जान चले गई, मजाक की बात नहीं है ये। देश के राजधानी में वन एंड आवर के बारिश में ये सब बच हो गया। व्हाट इज द सिचुएशन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री? तीन लोगों की जान चले गई है, मजाक की बात नहीं है। इट्स ऑल जस्ट अ ब्लेम गेम, इट्स ऑल जस्ट बीजेपी वर्सेस आम आदमी वर्सेस कांग्रेस, देयर इज नो जस्टिस हियर। वही राव आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से हादसे में 3 छात्रों की दुखद मौत से संबंधित एक बयान जारी किया, जिसमें कोचिंग संस्थान ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतक छात्र और छात्राओं के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जताई है। कोचिंग संस्थान ने तीनों छात्रों के लिए शोक जताते हुए कहा कि वो इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को इस घटना की जांच शुरू करने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया। ये घटना कैसे घटी, इसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेसमेंट में पानी भर रहा है और छात्र उसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पानी का बहाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। वीडियो में कोई चिल्लाकर कह रहा है कि जल्दी बेसमेंट से बाहर निकलो। वीडियो में एक शख्स की आवाज सुनाई दे रही है, जो बार बार सभी छात्रों से कह रहा है कि जल्दी निकलो और नीचे कोई रहा तो नहीं है।